गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की गई। कहा जाता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। पूजा आराधना गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में प्रातःकाल 4 से 6 बजे तक एवं सायंकाल में समस्त अनुष्ठान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किया। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर के दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद् देवी भागवत का पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी जारी रहा। दोनों समय में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुष्ठान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुए। पावन शारदीय नवरात्र के छठवें दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के चरण पादुका का पूजन योगी कमलनाथ जी ने किया। आरती में संस्कृत विद्यापीठ के 151 छात्रों, पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर योगी धर्मेन्द्रनाथ, द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्रा, पुरुषोत्तम चौबे, विनय गौतम, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक पांडे आदि उपस्थित रहे।